हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीडियो में एमपी टेट पार्ट 2 के एनालिसिस के बारे में। 13 मई के व्हाट्सएप के एकदम रियल क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है। और फ्रेंड बता दो, जिन लोगों का आने वाले चैप्टर में एग्जाम है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, जिससे मैं आने वाले चैप्टर में एनालिसिस कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज जिन लोगों ने क्वेश्चन भेजे उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जैसे कि पूजा, दीक्षा, राखी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, इनका आज एग्जाम था। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर से। किससे? डायोप्टर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आरबीसी की जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1665 में। कब हुई थी? 1665 में। तो फ्रेंड इससे पहले बात करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं सी टेट के 333 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि सी टेट केंद्रीय पात्रता बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये पुस्तक आपको पेपर वन एवं पेपर टू दोनों के लिए मिल जाएगी, क्लास 1 से 5 तक और क्लास 6 से 8 तक। इस बुक में आपको 2800 से प्लस अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, 3-in-1 बुक है। बात करते हैं फ्रेंड्स सी टेट 2011 में अब तक के प्रश्नों में अभ्यास प्रश्नों का अध्यात्मवार संकलन तथा उनकी व्याख्यात्मक हल का समावेश। बात करते हैं सी टेट पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण थ्योरी, इम्पोर्टेंट टेबल्स एंड फैक्ट्स, एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक है। बात करते हैं फ्रेंड्स, यह पुस्तक भारत के सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी के लिए अत्यंत उपयोगी है। हमें विश्वास है कि इन प्रश्नों को संग्रह संपूर्ण अध्ययन करने के लिए आप अध्यात्मक पात्रता परीक्षा में 80-90% प्रश्न आसानी से हल कर सकेंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। कौन सी? तो चक्षु पब्लिकेशन की। और आपको बता दें कि चक्षु प्रकाशन की अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है, जिससे आप पढ़कर आसानी से सी टेट क्लियर कर सकते हैं। ओके चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड चलिए आप बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनना था, हर शिफ्ट में एमकेएस पद्धति से क्वेश्चन देखने को मिल रहा था फिजिक्स में, उसके बाद यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिला, यूनिट से उसके बाद ध्वनि एवं प्रकाश से क्वेश्चन देखने को मिल रहा था एक टॉपिक से। बात करते हैं आगे फ्रेंड्स, ताप ऊष्मा सेल्सियस फॉरेनहाइट से क्वेश्चन देखने को मिला था फिजिक्स में। बात करें बल गति दाब से क्वेश्चन देखने को मिला था, दूरी से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। आगे का बात करें तो विद्युत से क्वेश्चन देखने को मिला था। आगे टॉपिक है चुम्बक से क्वेश्चन देखने को मिला था, मापक यंत्र से क्वेश्चन देखने को मिला था जो मैंने आपको बता दिया था, और न्यूटन से क्वेश्चन देखने को मिला था। मापक यंत्र से क्वेश्चन बना था ए वाला जो आपको बताया था, लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर से। बात करते हैं फ्रेंड्स केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में क्या देखने को मिला था? केमिस्ट्री में धातु अधातु से क्वेश्चन देखने को आया था फ्रेंड्स। बात करते हैं उसके बाद नोबल गैस से क्वेश्चन देखने को मिला था, नोबल गैस से क्वेश्चन देखने को आ रहा है हर शिफ्ट में। आवर्त सारणी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आवर्त सारणी से। आगे बात करते हैं संयोजकता, संयोजकता टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। आगे बात करते हैं अम्ल एवं क्षार लवण से, अम्ल क्षार एवं लवण से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि केमिस्ट्री का पोर्शन सबसे ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद फिजिक्स का, सबसे कम बायो का, तो मतलब केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बात करते हैं पदार्थ की अवस्था ठोस द्रव एवं गैस प्रयोग मिश्रण से क्वेश्चन बनना है हर शिफ्ट में, अणु एवं परमाणु को से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। आगे बात करें परमाणु संख्या एवं परमाणु भार से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में, परमाणु संख्या एवं परमाणु भार। बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ओके तो फ्रेंड चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? तो फ्रेंड बता दें कि आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है राइजोबियम से हर शिफ्ट में, हर ए टॉपिक से क्वेश्चन बना है राइजोबियम से। सजीव जगत से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सजीव जगत से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। वनस्पति से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वनस्पति से हर शिफ्ट में हर एक टॉपिक देखने को मिल रहा है। शैवाल से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है फ्रेंड, शैवाल से आ रहा है क्वेश्चन। बात करते हैं जीवाणु से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और कोशिका से क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे कि कोशिका की खोज किसने की थी ये पढ़ के जाना है, और कब हुई थी तो आज पूछ लिया गया था 1665 में कोशिका की खोज हुई थी, और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी
और मृत कोष का भी खोज किसने की थी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है फ्रेंड। बार बार एक क्वेश्चन कोशिक रिपीट होना है। तो फ्रेंड कोश का हम क्या पढ़ के जाना है आपको, जीवित कोष का खोज किसने की थी, मृत कोष का खोज किसने की थी, कोश का खोज कब हुई थी वो आज पूछ लिया है 1665 में, और कोशिका की खोज किसने की थी, हाँ सब क्वेश्चन बनना है। ओके आगे फ्रेंड बात कर रहे हैं जैसे कि पेडागॉजी, पेडागॉजी से हर शब्द में 10 नंबर से क्वेश्चन बनना है, हर शब्द में 10 क्वेश्चन बनना है, पेडागॉजी से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शब्द में फ्रेंड्स। और आगे बात कर रहे हैं फ्रेंड जैसे कि मैस्लो, मैस्लो से यहाँ पेडागॉजी में बनना है, विज्ञान पढ़ाए जाने का उद्देश्य, ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको बता दें। आगे बात करते हैं जैसे कि बोर्ड मास, बोर्ड मास से क्वेश्चन देखने को मिला है, बोर्ड मास से पढ़ के जाए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मास से हर सबको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड आपको बताते हैं कि इस चैनल पर आपको डेली एनालिसिस देखने को मिलेगा, इस चैनल पर आपको डेली एनालिसिस देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। और फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ जिससे उनको हेल्प मिल सके। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस इतना ही, एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ रहा था फ्रेंड, जो पूछा गया था जो टॉपिक आए थे वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।